मांझी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासत पूरी तरह से गर्म होता हुआ दिख रहा, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप यादव मांझी जी से मुलाकात करने पहुंचते हैं उनके आवास पर, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है वो तो साफ होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने बयान दिया और उसके बाद मांझी जी जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उसके बाद आज इस पर सवाल पूछा गया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल से, तो उन्होंने साफ तौर से तेज प्रताप यादव को ही आमंत्रित कर दिया अपने पार्टी में शामिल होने का। तेज प्रताप जी अगर भाजपा जो है ये जीतन राम मांझी जी को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग जरूर, अच्छी बात है। वहीं उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से बीजेपी की तैयारी चल रही है उसी मौके पर वो अपने पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे संजय जायसवाल, तब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या लगता है कि NDA टूट के कगार पर है, क्योंकि जिस तरह से मांझी जी आए दिन बीजेपी के नेताओं पर या बीजेपी की पार्टी के या JDU के तमाम नेताओं पर ट्वीट कर हमला करते हैं, उसको लेकर जब संजय जायसवाल से ये सवाल पूछा गया तो सीधे सीधे उन्होंने तेज प्रताप यादव को ही अपने पार्टी में आमंत्रित कर दिया आने का। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से अब सियासत गर्म होता हुआ बिहार में दिख रहा है। जिस तरह से आए दिन भले मांझी जी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं और लालू प्रसाद यादव को सुबह सुबह ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उसके बाद जो बिहार में होता है वो जन्मदिन के मौके पर क्या लगता है बिहार में तेज प्रताप यादव अपने पिता को बड़ा तोहफा देने वाले हैं, तो इससे साफ तौर से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा खेला होबे जैसा मामला दिख रहा है, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से खेला होबे हुआ वही बिहार में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या खेला होबे। वहीं संजय जायसवाल ने इस पर क्या कुछ जानकारियां दी है मीडिया को वो भी जरा मैं आपको सुना दूं। बिहार में अभी हम लोग 23 तारीख के कार्यक्रम की चर्चा और चिंता कर रहे हैं, बिहार सरकार के जो कार्य हैं बिहार में वही तय होते हैं।